हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सभी को नमस्कार। चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट। 3 टेस्ट कंप्लीटेड। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, पर्पस मोटर फिटनेस टेस्ट, मोटर फिटनेस एबिलिटीज एंड पैरो फिटनेस टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस एबिलिटीज एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट सेम पर्पज फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। दोनों के सेम पर्पज है, दोनों टेस्ट के अंदर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मापते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। रनिंग ट्रैक अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। टाइप्स ऑफ ट्रैक टू टाइप्स, 200 एंड 400। 400 मीटर ट्रैक इट ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक। 400 मीटर ट्रैक इट ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक। स्टॉपवॉच, असिस्टेंट हेल्पर। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, चूज ए विंडलेस डे टू कंडक्ट दिस टेस्ट। मीन उस डे को चूज कर सकते हैं जहां मीन हवा तेज नहीं हो, जहां से मीन जैसे हेड विंड एंड टेल विंड। हेड विंड हमेशा प्लेट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, जो टेल विंड है वो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। तो उस दिन को चूज करेंगे जहां पर हवा का प्रतिरोध कम हो या हवा आगे कम हो। सॉरी। सेकंड, रिकॉर्ड योर वेट एंड पंप। थर्ड, वॉक 1 माइल इक्वल फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए 1 माइल इक्वल 1600 किलोमीटर या 1609 मीटर। 1609 मीटर। एंड्योरेंस एबिलिटीज मीन जो 1600 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं उसमें एंड्योरेंस एबिलिटीज मापते हैं। व्हाट इज एंड्योरेंस? इट इज एबिलिटी टू डू पर्सन कंटिन्यू वर्क ड्यूरिंग फटिक टाइम। फॉर रिकॉर्ड द टाइम एंड कंप्लीट द 1 माइल वॉक। मीन टाइम को रिकॉर्ड करना है जो आपकी कंप्लीट डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, 1 माइल को वॉक को कवर कर लेते हैं या फिर 1600 किलोमीटर को वॉक कर लेते हैं। 1 माइल इक्वल 1600 किलोमीटर। रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द 1 माइल वॉक। इमीडिएटली ऑन फिनिशिंग द वॉक रिकॉर्ड यूर हार्ट रेट। हार्ट रेट बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं BPM, बीट पर मिनट। मीन टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, जैसे उस डिस्टेंस को या हार्ट रेट को काउंट कर सकते हैं जितना भी हमारे पास डिस्टेंस है उसको कवर करने के बाद। कैलकुलेशन ऑफ प्रोसीजर, मीन्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट इज डन बाय कंपेयरिंग इट विद द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस टेस्ट। मीन्स को एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे हमने अभी फर्स्ट टेस्ट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का लिया और उसके 1 वीक के बाद सेकंड टेस्ट लिया, तो दोनों के अंदर कंपेयर कर सकते हैं और कम शो कर सकते हैं या प्रेजेंट उसको दिखा सकते हैं उसके अंदर 7 डेज के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एप्रोप्रिएट इट टू ट्रेनिंग बी बिटवीन इट्स टेस्ट शुड बी डन एंड शो इम्प्रूवमेंट एंड डिफरेंट सिस्टमेटिक मेथड के द्वारा इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फैक्टर जेंडर, मेल एंड फीमेल, मीन आप मेल को ट्रेनिंग मेल के ऊपर कंडक्ट कर रहे हो या फिर फीमेल के ऊपर। एज ग्रुप, आप किस एज ग्रुप के ऊपर टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हो। 7 डेज ट्रैक रनिंग इवेंट एंड फील्ड इवेंट, जो हमारे पास आ चुका है। टाइप्स ऑफ ट्रैक टू टाइप्स और फील्ड, जिसके अंदर हम ट्रैक के अंदर फील्ड इवेंट यूज होते हैं और रनिंग इवेंट। फील्ड इवेंट आपका शॉर्ट कोर्स डिस्कस करो, एमर करो, और रनिंग इवेंट के अंदर कंप्लीट रनिंग इवेंट, 100 मीटर, 200 मीटर, मीडियम रेसिस, लॉन्ग रेसिस। तो आपका ये फोर्थ टेस्ट रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट, तो इसके अंदर आपका पर्पज था कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में आपसे
ये आपके इक्विपमेंट्स, रिक्रूटमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स प्रोसीजर क्या है, तो ये आपका होमवर्क कंप्लीटेड, टुडे फिजिकल होमवर्क, रोप फॉर वॉकिंग टेस्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.